हाय गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या होगा अगर हमारे पास जितने एच की बैटरी हो उससे दुगने या तिगने वॉट के सोलर पैनल को अगर हम डायरेक्ट बैटरी से जोड़ देते हैं, मतलब कि सोलर पैनल से जो दो वायर निकलते हैं उनको अगर हम डायरेक्टली बैटरी में जोड़ देते हैं और बीच में कोई भी सोलर चार्ज कंट्रोलर या कोई भी डिवाइस नहीं लगाते हैं, तो ऐसे में हमारी बैटरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या हमारी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी, या फिर हमारी बैटरी ख़राब हो जाएगी, या फिर हमारी बैटरी हीट करेगी, या फिर हम सोलर पैनल से ज़्यादा लोड चला पाएंगे या कम लोड चला पाएंगे, या जो भी हमारी बैटरी के साथ होता है, सोलर पैनल के साथ होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 230 वाट के सोलर पैनल हैं जिसमें 50 वाट का लूम सोलर का पैनल है और 180 वाट का जन सोलर का पैनल है, तो दोनों मिला के 230 वाट बन जाते हैं। और इनके जो वायर हैं वो हम लगाने वाले हैं लुमिनस की 80 एच की सोलर बैटरी पे। तो 80 एच की सोलर बैटरी है तो इससे लगभग मान के चलो 3 गुना ज़्यादा हमारे जो है सोलर पैनल बन जाते हैं। तो मैंने इन दोनों सोलर पैनल को पैरेलल में जोड़ा है और दिन के टाइम ये मैक्सिमम जो है 10.5 एम्पीयर तक जाते हैं। तो चलिए अब चल के देखते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं बैटरी में तार को और उसके बाद दिखाते हैं कि भाई क्या यहाँ पे हमारी बैटरी के साथ होने वाला है। गाइस, तो ये रहे हमारे सोलर के वायर जो कि ऊपर से आ रहे हैं और इसे मैंने लगा रखा है यूटेल के SMU में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैटरी के वोल्टेज है वो 13.65 वोल्ट पे हैं और हमें सोलर से 8.9 एम्पीयर के आसपास इस समय मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो दो वायर निकले हुए हैं वो डायरेक्टली हमारी इस समय बैटरी में लगे हुए हैं और हमारे पास जो है ये लुमिनस की 80 एच की सोलर बैटरी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि सोलर पैनल के जो वायर हैं वो डायरेक्ट हम अपनी बैटरी से जोड़ने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमने सोलर के वायर को SMU से निकाल लिया है और सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके वोल्टेज को और एम्पियर को। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को जो है 200 वोल्ट पे सेट कर रखा है और जो रेड वाली वायर है उसमें मल्टीमीटर की रेड वायर लगा देते हैं और जो सोलर की ब्लैक वाली वायर है उसमें मल्टीमीटर की ब्लैक वाली वायर लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस समय जो वोल्टेज है वो 21.9 वोल्ट के आसपास आ रहा है, मतलब कि 22 वोल्ट हम मान के चल सकते हैं। इसके बाद हम इसका एम्पीयर चेक कर लेते हैं। तो एम्पीयर चेक करने के लिए मैं मल्टीमीटर के जो नोब है उसको जो है एम्पीयर पे सेट कर देता हूँ और जो मल्टीमीटर की रेड वाली वायर है उसको एम्पीयर के सॉकेट में इस तरीके से लगा देता हूँ। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो सोलर की ब्लैक वाली वायर है उसमें मल्टीमीटर की ब्लैक वाली वायर को लगाता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे जो एम्पीयर है वो 9.55 एम्पीयर यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे एम्पीयर बहुत ज़्यादा हाई है। तो गाइस, अब हम अपने सोलर पैनल के वायर को डायरेक्टली बैटरी से लगा देते हैं। तो ये हमारे सोलर पैनल के वायर हैं जो कि हमने बैटरी में इस तरीके से लगाए हैं। तो ब्लैक वाला जो निगेटिव वाला है निगेटिव में लगा दिया है और जो रेड वाला पॉजिटिव वाला है वो पॉजिटिव में लगा दिया है और साथ में टेप लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो हमारे सोलर पैनल है वो 12 वोल्ट के हैं और हमारी जो बैटरी है वो भी 12 वोल्ट की है, लेकिन जो सोलर पैनल हमारे जो 12 वोल्ट के होते हैं वो आपको 20 से 22 वोल्ट देते हैं और हमारी जो बैटरी होती है उससे आप जो है 14.6 वोल्ट तक ही चार्ज कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप चार्ज करते हैं तो आपकी जो बैटरी है वो ओवर चार्ज होने लगती है। और यहाँ पे मैंने बैटरी के वायर को SMU में भी लगे रहने दिया है ताकि हमें पता चल सके कि हमारी बैटरी यहाँ पर कितनी चार्ज हो रही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो 13.35 वोल्ट के आसपास हैं और इस समय जो समय हो रहा है ना वो लगभग जो है 12 बज रहे हैं, तो मैंने तुरंत यहाँ पे वायर लगाए हैं। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अभी हमारी जो बैटरी है वो 60 से 70% पे है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा चार्ज होने में भी, तो हम देखते हैं कि क्या होता है रिज़ल्ट। तो यहाँ पे जो है 12 बज रहे हैं और लगभग मैं आपको 1 घंटे बाद दिखाऊंगा कि हमारी बैटरी के साथ यहाँ पे क्या होता है। तो गाइस, इस समय 1 बज चुके हैं, लगभग 1 घंटा हो चुका है और यहाँ पे हमारी जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो 13.71 वोल्ट पे आ चुके हैं। तो लगभग 0.36 वोल्ट जो है यहाँ पे बढ़ चुके हैं, मतलब कि हमारी जो बैटरी है वो यहाँ पे चार्ज हो रही है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं अपनी बैटरी को कि कहीं से हीट वगैरह तो नहीं कर रही है। तो यहाँ पे मैं टच करके देखता हूँ कि कहीं से कुछ हीट वगैरह तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो गाइस, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको बिल्कुल भी हमारी जो बैटरी है बिल्कुल भी हीट इस समय नहीं हुई है। और अभी हम क्या करने वाले हैं कि मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे कि हमारी जो बैटरी है उसके वोल्टेज यहाँ पे क्या शो हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने मल्टीमीटर यहाँ रख लिया है और इसको 200 वोल्ट पे सेट कर दिया है। जो पॉजिटिव वाली वायर है उसको पॉजिटिव में लगा दिया है और निगेटिव वाली वायर को हम देखते हैं यहाँ पर टच करके, तो हमारी जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो 13.8 वोल्ट पे यहाँ शो हो रहे हैं, मतलब कि हमारी जो बैटरी है वो यहाँ पे चार्ज हुई है और अभी हमारी बैटरी जो है हीट वगैरह भी नहीं हो रही है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी जो बैटरी है वो कम चार्ज थी, मतलब कि 60-70% के आसपास चार्ज थी, तो इस वजह से जो है ये आराम से जो है जितने वोल्टेज सोलर से आ रहे थे उसको इसने लेके आराम से बैटरी को चार्ज किया है और यहाँ पे हमारी जो बैटरी है वो भी आराम से चार्ज हो रही है। तो अभी बैटरी में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही, नहीं बैटरी हीट कर रही है, बैटरी जो है वो ठीक ठाक तरीके से चार्ज हो रही है। लेकिन गाइस, जब ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी उसके बाद क्या होता है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है 14.6 वोल्ट पे पहुंच जाती है
उसके बाद ही हमारी बैटरी जो है वो ओवरचार्ज होना स्टार्ट होती है। तो तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, जबकि सोलर पैनल से 22 वोल्ट आ रहे हैं और हमारी बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है सोलर पैनल को डायरेक्टली बैटरी से लगाने पर वो आराम से इस समय चार्ज हो रही है। तो थोड़ा वेट करते हैं बैटरी के फुल चार्ज होने तक। तो अभी बैटरी के जो वोल्टेज है वो 13.71 वोल्ट है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसका गाइस। तो इस समय 3 बज चुके हैं और हमारी बैटरी का जो वोल्टेज है वो 14.17 वोल्ट पे है और हमारी जो बैटरी है वो 2.1 एम्पीयर 2.2 एम्पीयर से चार्ज हो रही है। तो मैंने सोलर के वायर को निकाल के वापस से SMU में लगा दिया था ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी जो बैटरी है वो लगभग फुल चार्ज के पास पहुंच गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वायर सोलर के SMU में लगे हुए हैं और SMU जो है क्या कर रहा है कि जो सोलर से जितने भी एम्पीयर ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो उनको कम करके सिर्फ बैटरी को उतने ही एम्पीयर दे रहा है जितने एम्पीयर की बैटरी को ज़रूरत है। तो गाइस हमने वापस से सोलर के वायर निकाल लिए हैं और मल्टीमीटर से अब चेक करते हैं कि कितने वोल्ट हमें सोलर से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग जो है 22 वोल्ट के आसपास इस समय हमको सोलर से मिल रहे हैं। अब चेक करते हैं इसका एम्पीयर। तो यहाँ पर हमने एम्पीयर पर सेट कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग 7.52 एम्पीयर इस समय हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब हम जो है इस सोलर के वायर को डायरेक्टली वापस से बैटरी से लगा देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जब बैटरी हमारी फुल होती है तब अगर जो है सोलर से डायरेक्ट वायर लगे हो बैटरी में तो हमारी बैटरी में क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने SMU को नीचे रख लिया है और यहाँ पर आप बैटरी के वोल्टेज देख सकते हो कि 13.35 या 41 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। और यहाँ पर मैंने जो है वायरिंग कर ली है, जो ब्लैक वाला वायर है निगेटिव वाला वो बैटरी के निगेटिव में लगा दिया है और प्लस वाला वायर मेरे हाथ में है। और यहाँ पे मैं जो है इसको बैटरी के पॉजिटिव में लगा देता हूँ और साथ में जो यहाँ पे टेप है उससे मैं जो है यहाँ पे इसको कवर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये हिले डुले नहीं। और अभी आप देखिए जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो कितनी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर 14.88 वोल्ट हो चुका है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए 14.94 वोल्ट के आसपास जो है हमारी बैटरी पहुंच चुकी है। तो अभी हमारी जो बैटरी है वो ओवरचार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी देखिए 15.05 वोल्ट। तो गाइस अब हमारी जो बैटरी है वो बहुत तेज़ी से ओवरचार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी तेज़ी से हमारी बैटरी के जो वोल्टेज है वो बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पे 15.11 वोल्ट हो चुके हैं। इसका मतलब यही है कि हमारी बैटरी जो है बहुत तेज़ी के साथ ओवरचार्ज हो रही है और यहाँ पर 15.17 वोल्ट पे आ चुका है। इसीलिए जितने भी सोलर एक्सपर्ट होते हैं वो आप सभी लोगों को सलाह देते हैं कि आप लोग जो है अपने सोलर के साथ जो है सोलर चार्ज कंट्रोलर या फिर SMU या फिर सोलर इन्वर्टर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बैटरी ओवरचार्ज ना हो, हीट ना हो और आपको काफ़ी अच्छा बैकअप मिले और साथ ही आपकी जो बैटरी की हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहे, जिससे आप जो है लंबे समय तक अपनी बैटरी का इस्तेमाल कर पाएँ और आपकी बैटरी ख़राब होने से बच सके। अब यहाँ पे मैं अगर चेक कर रहा हूँ तो मेरी बैटरी जो है ना वो बहुत तेज़ गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ कर रही है, जो इसके अंदर का पानी होता है ना वो काफ़ी तेज़ी से उबल रहा है और यहाँ पर मुझे जो है काफ़ी तेज़ हीट भी देखने को मिल रही है। तो ये बैटरी हमारी अब जो है यहाँ पर हीट होना स्टार्ट हो चुकी है और इसके अंदर का जो वाटर है ना वो बहुत तेज़ी के संग जो है मतलब आवाज़ कर रहा है, मतलब जैसे बॉयल होता है ना उबलता है उस तरीके से ये आवाज़ होने लगा है। और अभी हमारी बैटरी के वोल्टेज बहुत तेज़ी के संग बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पे 15.41 वोल्ट पे हमारी बैटरी आ चुकी है और लगातार हमारी बैटरी जो है काफ़ी तेज़ी के संग जो है यहाँ पे चार्ज हो रही है। अभी देखिए 46 हो गया है और यहाँ पर हीट जो है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। तो यहाँ पे काफ़ी जो है हीट कर रही है हमारी बैटरी और अभी आप जो है बैटरी के वोल्टेज देख सकते हो 15.46 वोल्ट पे आ चुके हैं और लगातार हमारी बैटरी के जो वोल्टेज है ना वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपको ये देखने को मिले कि बैटरी के वोल्टेज हमारी किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए 15.64 वोल्ट पे हमारी बैटरी आ चुकी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा लोड चलाते हैं और लोड चलाने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लोड चला दिया है और अभी हमारी बैटरी के वोल्टेज जो है वो थोड़े ड्रॉप हो गए हैं, 13.82 वोल्ट पे यहाँ पे आ चुके हैं और अभी भी जो है सोलर पैनल से डायरेक्टली हमारे वायर जो हैं बैटरी में लगे हुए हैं। तो बैटरी थोड़े ड्रॉप हो रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोड वगैरह चल रहे हैं। तो जब लोड वगैरह चलता है ना तो ये फिर हीट वगैरह नहीं होता ही बैटरी। और अगर आप जो है डायरेक्टली अपने सोलर पैनल से अपनी बैटरी में वायर लगाते हो तो आपको दो चीज़ देखनी है। पहली चीज़ तो ये देखनी है कि आपकी बैटरी जो है वो 100% तक चार्ज ना हो और दूसरी चीज़ कि अगर आप जो है उस पर साथ में लोड चलाओगे तो डेफिनेटली आपकी जो बैटरी है वो 100% तक नहीं जाएगी। तो आपकी बैटरी अगर 90% तक रहती है और डायरेक्टली आपने जो वायर है वो अपने सोलर पैनल में लगा रखे हैं तो यहाँ पे आप जो है कुछ दिन तक तो है अपने लोड वगैरह चला सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि 15 दिन 20 दिन या फिर एक महीने से ज़्यादा जो है बिना सोलर चार्ज कंट्रोलर या SMU के डायरेक्टली जो है वायर को बैटरी में लगा के मत चलाना, ठीक है।
और जब भी आप जो है इस तरीके का कुछ करते हो ना, तो ध्यान रखना कि जितनी एज की आपकी बैटरी है उससे दुगने पैनल ही लगाओ, और अपनी बैटरी को जो है फुल चार्ज कभी मत होने देना, और साथ ही में उस पर लोड भी चलाते रहो। अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज होने वाली हो तो अपने सोलर पैनल के जो वायर हैं वो बैटरी से हटा देना, नहीं तो आपकी बैटरी जो है तब तक चार्ज होती रहेगी जब तक सोलर पैनल के जितने वोल्ट आते हैं उतने वोल्ट तक आपकी बैटरी नहीं पहुँच जाती। तो यहाँ पर हमारी जो बैटरी है वो हीट होना बंद हो चुकी है, और जो पानी की आवाज़ आ रही थी उबलने की वो भी यहाँ पे जो है बंद हो चुकी है। तो जब भी आप जो है डायरेक्टली अपने सोलर पैनल से वायर जो है अपनी बैटरी में लगाओ तो कम से कम सोलर पैनल लगाओ। ज़्यादा अगर आपने सोलर पैनल, जैसे कि 500 वाट का सोलर पैनल है और 100 एच की बैटरी है, तो ऐसा कभी मत करना। दुगने से ज़्यादा कभी भी सोलर पैनल जो है डायरेक्टली अपनी बैटरी में मत लगाना। कुछ दिन के लिए काम चला सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा दिन मैं बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा। इससे आपकी जो बैटरी है वो ख़राब हो जाएगी, आपको बैकअप नहीं मिलेगा गाइस, ठीक है। क्योंकि जब आप सोलर चार्ज कंट्रोलर से चार्ज करते हो तो उससे आपको बैकअप मिलता है, लेकिन अगर आप जो है डायरेक्टली चार्ज करते हो तो उससे आपको बैकअप कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा, उल्टा आपकी जो बैटरी है वो जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे वापस से मैंने इन्वर्टर बंद कर दिया है, और अभी मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो कितनी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो 15 वोल्ट से भी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ हो गए थे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आपको जो है ज़्यादा टाइम यहाँ पे ना देना पड़े। और आप देख सकते हो कितनी तेज़ी से हमारी जो बैटरी के वोल्टेज है वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बैटरी के अंदर जो पानी होता है ना वो किस तरीके से उबल रहा है। तो यहाँ पे वापस हमारी बैटरी हीट होना चालू हो चुकी है, और अंदर का जो वाटर है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी तेज़ जो है बुलबुले यहाँ पे छोड़ रहा है। तो गाइस यहाँ पे जो आवाज़ है ना वो काफ़ी तेज़ तेज़ आ रही है, आपको भले ना सुनाई दे, और जो हीट है ना वो बैटरी की काफ़ी तेज़ मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है छूने पर। तो इस तरीके से गाइस अगर आप जो है सोलर पैनल के वायर को डायरेक्टली अपने बैटरी से लगाते हो तो आपकी बैटरी भी हीट कर सकती है, अगर उस पर कोई भी लोड नहीं चलता और आपकी बैटरी जो है ओवरचार्ज होना स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे में आपकी जो बैटरी है वो बहुत तेज़ी के संग ख़राब होती है। अभी मैं आपको जो है बैटरी के वोल्टेज वापस से दिखा देता हूँ। 15.46 वोल्ट तक हमारी बैटरी यहाँ पर चार्ज हो चुकी है, और अगर मैं बिल्कुल भी इसको ऐसा ही छोड़ दूँ ना तो ये 22 वोल्ट तक जाके ही रुकेगी, उससे पहले तो रुकने वाली नहीं है गाइस। और आपकी बैटरी भी अगर आप इस तरीके से करते हो, ध्यान नहीं दोगे तो बैटरी हीट करेगी और बैटरी ख़राब हो जाएगी। और वापस से मैं आपको जो है इसका वाटर दिखा देता हूँ, बैटरी वैसे काफ़ी ज़्यादा हीट कर रही है, और आप देख सकते हो कि वाटर जो है किस तरीके से यहाँ पे उबल रहा है। तो गाइस ये गलती बिल्कुल नहीं करना। अगर आप जो है अपना कोई भी सोलर सिस्टम लगवाते हो तो उसमें चार्ज कंट्रोलर का या फिर SMU का या फिर सोलर इन्वर्टर का इस्तेमाल ज़रूर करना। डायरेक्टली आप जो है अगर चलाना चाहते हो, बजट कम है तो कुछ दिन आप जो है चला सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, बैटरी से दुगने ही पैनल लगाना, उससे ज़्यादा मत लगाना, और बैटरी को फुल चार्ज कभी मत होने देना। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।